फोटो स्पीच, वक्त है एक मिनट 10 खबरों का। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आखिरी दिन, चौथे चरण के लिए आज गाइडलाइन जारी करेगी केंद्र सरकार। बंदी से कम ज्यादा रियायतों के आसार, लॉकडाउन को लागू होने की आशंका में 6 लोगों ने गवाई जान। मुंबई से घर आने के लिए शुरू की थी यात्रा, मध्य प्रदेश के सागर में हुआ हादसा। पैदल जाने वालों को रोकेगी दिल्ली सरकार, शेल्टर होम बेहतर करेगी ट्रेन का इंतजाम। लॉकडाउन 3 में मजदूरों के साथ हुए हादसे को लेकर लिया निर्णय। गांव लौट रहे लोगों की वजह से लखनऊ में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ, स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद। सीएचसी को मिले अलर्ट रहने के आदेश, लखनऊ में कोरोना के 11 नए मरीज, जिनमें 7 मुंबई से लौटने वाले। बिहार में क्वारंटीन सेंटर में पानी भरने को लेकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। लखनऊ विश्वविद्यालय आयोजित करेगा इंटरनेशनल एलुमिनाई एसोसिएशन समारोह, कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद जारी होगी रूपरेखा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, नहीं मिली कोई राहत, 16 घंटे पानी पीकर किया सफर। और यहाँ हादसे पर बॉलीवुड स्टार ने जताया दुख, स्वरा भास्कर बोली ये देश गरीबों के लिए नहीं। और यहाँ हादसे में मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, पीएम ने दी मंजूरी। खबरों के गड़े में बस इतना ही, फिर लौटेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।